जिन परंपराओं के मुताबिक विधि पूर्वक पूजा अर्चना शुरू हो गई है। हालांकि महामारी के चलते माता के मुख्य द्वार बंद है और माता के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को भी मनाही है। पहले जहां इन दिनों भारी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए हिमाचल व बाहरी राज्यों से यहां पहुंचते थे, वहीं इस बार कोरोना महामारी के चलते यहां मंदिर और बाजारों में सन्नाटा पसरा है। शहर की दुकानें भी बंद है। ऐसे में जब यहां ज्यादातर कारोबार श्रद्धालुओं और पर्यटकों पर निर्भर करता है। इससे पूर्व चैत्र नवरात्रि के दौरान भी बाजार बंद रहे थे और अब गुप नवरात्रि में भी इस महामारी के कारण दुकानदारों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। हालांकि ये गुप्त नवरात्रि माता के दरबार में विधि पूर्वक मनाए जाएंगे। एप्पल न्यूज के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जम्वाल की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोल चले हुए हैं तो बहुत ज़्यादा रश होता था यहाँ और दुकानदारी बहुत ज़्यादा चलती थी। आजकल ये महामारी फैलने से बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, कोई यहाँ यात्री नहीं आ रहा है। दुकानदारों का सबका जितने भी थे नैना देवी में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और बहुत ज़्यादा समस्या है, दुकानदारों पर ही बढ़ी हुई है ज़्यादा समस्या। जैसे यहाँ कोई मंदिर में आ नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा समस्या है उसकी वजह से। जो आज से माता नैना देवी के गुप्त नवरात्रि स्टार्ट हुए हैं, यहाँ पे श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता था, भीड़ ठीक होती थी, इकट्ठी होती थी, पर जो कोरोना की वजह से यहाँ पे ना तो कोई भीड़ है, ना ही दुकानदारी किसी काम की रही है, ना काम है ना ही भीड़ है। बाकी जो महामारी की कृपा है उसके हिसाब से चलेगा। अभी आज से माता जी के गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और इन नवरात्रों में काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आवाजाही रहती थी। कोरोना की वजह से मंदिर बंद होने के कारण कोई भी श्रद्धालु यहाँ नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से तमाम दुकानदारों की, पुजारी वर्ग की जो भी रोजी रोटी थी उस पर काफ़ी फर्क पड़ा है, क्योंकि श्रद्धालु नहीं आएंगे तो मंदिर नहीं खुलेंगे, श्रद्धालु नहीं आएंगे उसकी वजह से दुकानदारी भी ठप है और पुजारी वर्ग की भी कंडीशन जो है ठीक नहीं है। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, यही सरकार से अपील करते हैं कि मंदिरों को खोलने के बारे में विचार करें।